Hello everyone, welcome in the next videos for the class 8, and the topic is just the quick objectives for the metals and non-metals. Agar aapko ye metals and non-metals ke sare question answers maloom hai, to iska matlab aapka preparation bahut hi achhe se hai. Agar nahi maloom hai, to just have a glance over this video and you can make a quick decision that what type of the preparation you are doing. So without wasting your time, take out the pen and copies and start taking the notes. Because without pen and copies, if you're watching this video is not a video. So we will start with the metals. हम लोग यहाँ पर metals से start करते हैं. तो सबसे पहला question है, name two soft metals that can be cut with a knife. वो soft metals का नाम बताइए जो knife से cut किया जा सकता है. बच्चों metal का सिर्फ example देखना है. तो metals में यहाँ पर हो जाएगा sodium and potassium. Na का किसका symbol है sodium का और K किसका symbol है potassium का. तो ये दो नॉन मेटल, ये दो मेटल्स ऐसे हैं जिनको हम अपने नाइफ के सहारे काट सकते हैं. वन मेटल, नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मेटल दैट एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म. वो मेटल जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सभी को मालूम है मरकरी. मरकरी को हम लोग लिखते हैं सिंबॉल HG. HG सिंबॉल से हम लोग इसको लिख सकते हैं. ओके, नोट कीजिए. अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन से. Two metals that cannot be stored either in air or under water. दो metals ऐसे जिनको हम ना water में store कर सकते हैं और ना air में store करते हैं. वो क्या हो सकता है? Again it is a sodium and potassium. इसी sodium and potassium को हम store नहीं कर सकते. Over the next one, most abundant metal in the earth crust. Earth crust जो होता है, मतलब जो जमीन है, उसमें जो सबसे पाया ज़्यादा पाया जाने वाला प्रचुर मात्रा में abundant कहने का मतलब बहुत ज़्यादा amount. कौन सा मेटल सबसे ज्यादा मिलता है? बच्चों इसका नाम है एल्यूमिनियम. Al नाम इसका एल्यूमिनियम. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल, मतलब एल्यूमिनियम के बाद ऐसा कौन सा मेटल है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है? एंड इट्स अ Fe. किसको बोलते हैं? आयरन को बोलते हैं. नोट करते रहेंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट. वो मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है, इसका नाम है सेशियम. सीजियम करते हैं. और इसके साथ एक और नाम बच्चों आता है गैलियम. ये दोनों मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है. मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब इट इज द टेम्परेचर एट विच द मेटल्स इट स्टार्ट्स मेल्टिंग. वो टेम्परेचर जिसपे मेटल्स मेल्ट करना शुरू कर जाता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. तो ऐसा कौन सा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है? सीजियम एंड द गैलियम. ये इतने इतने मेल्टिंग पॉइंट इनका कम रहता है कि अगर हम इनको हाथ पे रखें, इफ वी विल टेक इट ऑन द पाम ऑफ आवर हैंड, देन इट स्टार्ट्स मेल्टिंग. ओके, तो सीजियम एंड गैलियम मोस्ट डक्टाइल मेटल. डक्टाइल कहने का मतलब क्या हुआ? डक्टाइल एक प्रॉपर्टी है मेटल का जिससे मेटल को हम तार के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं. इट मींस द डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय व्हिच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. तो कौन सा मेटल हो सकता है? इट इज अ गोल्ड. और गोल्ड का सिंबल होता है Au. आगे बढ़ते हैं. मोस्ट मैलेबल मेटल, सेम आंसर, इट इज अ Au. Au किसका सिंबल है? गोल्ड का. आगे बढ़ते हैं 9 में, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मेटल ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड एक साथ है, मेटल ऑक्साइड का नेचर कौन सा होता है? इट इज बेसिक इन नेचर. बेसिक कहने का मतलब बच्चों सिंपल सी बात है, आपने एसिड बेस पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए हम लोग रेड लिटमस का यूज करते हैं. और रेड लिटमस का कलर किसमें चेंज हो जाता है? ब्लू लिटमस. So it means we are, when we are talking that what is the nature of metal oxide, then the answer it is a basic. Metals used for making the aircraft, वो metals जो aircraft हवाई जहाज बनाने में use होता है, it is aluminium. याद रखना है, metal पूछ रहा है इसका मतलब aluminium बोलना है. Alloys पूछेगा तो duralumin. याद रखना, metals पूछा गया है तो क्या बोलेंगे हम लोग? Aluminium. अगर पूछा गया होता what is the name one alloy that is used for making the aircraft bodies, तो वहां पर duralumin याद किया गया. लास्ट क्वेश्चन, मेटल्स यूज फॉर मेकिंग द वाटर बॉयलर्स. वाटर बॉयलर को बनाने के लिए कौन से मेटल्स का यूज किया जाता है? Fe, आयरन इज द आंसर. आयरन का यूज किया जाता है. चेक करिए आपने कितना सही आंसर दिया और कमेंट भी करते रहिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों ने कितने सारे आंसर्स आपको मालूम है. आगे बढ़ते हैं. वन नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड से. वो एक नॉन मेटल, अब नॉन मेटल है, ये मेटल्स के सारे क्वेश्चंस थे, यहां पर नॉन मेटल्स के क्वेश्चंस. तो नॉन मेटल का एग्जांपल देना है. बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को मिक्सअप कर देते हैं. देयर इज नो नीड टू मिक्स अप द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जस्ट हैव अ ग्लांस. और इसको सिर्फ याद करके आप मैक्सिमम नंबर्स अपने क्लास 8, क्लास 10, अपना जो नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए, जो जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये सारे आंसर्स हो सकते हैं. अब देखते हैं
वो नॉन मेटल बताइए जो लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला जो नॉन मेटल है उसका नाम है ब्रोमिन, BRONIN, और उसका सिंबल होता है Br। ओके, एक नॉन मेटल दैट कैचेस फायर इन एयर, वो नॉन मेटल जो आग पकड़ लेता है एयर में, द आंसर इज फॉस्फोरस, जो कि माचिस में यूज होता है। आपको मालूम है जो हमारा मैच बॉक्स होता है माचिस, उसके साइड में जहां से फ्रिक्शन करते हैं रगड़ते हैं उस जगह पर रेड फॉस्फोरस लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नॉन मेटल दैट हैज अ नेचुरल लस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉन मेटल जनरली डल अपीयरेंस का होता है, मतलब उसमें कोई चमक नहीं होता, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल भी है जिसमें बहुत ही चमक होता है, एंड द आंसर इज आयोडीन। आयोडीन इज अ नॉन मेटल दैट हैज अ नेचुरल लस्टर। One non-metal, next question, one non-metal exists in gaseous state and one in solid state। बच्चों एक ही में दो question है, एक non-metal ऐसा बताना है जो gaseous state में है और एक non-metal ऐसा बताना है जो solid state में है। तो gaseous state में पाए जाने वाले non-metals oxygen हो जाता है, chlorine हो जाता है, ये सब gaseous state में। तो आप याद रखो यहाँ पर अगर हम gaseous state की बात करें तो oxygen, chlorine ये सब बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। और सॉलिड स्टेट में आपका आ जाता है कार्बन, कार्बन हो गया, या फिर आयोडीन, ये सब जो होंगे, या फिर फास्फोरस, ये सब आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन मेटल, मतलब इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, कमेंट करिए आंसर्स क्या होगा। इट इज द डायमंड, वीडियो पॉज करके कमेंट करिए ताकि आपको मालूम चले डायमंड। और ये डायमंड किस नॉन मेटल का पार्ट है याद रखना है, तो बगल में लिखना है कार्बन, मतलब कार्बन का ही दो पार्ट है, एक है डायमंड और एक है ग्रेफाइट। तो डायमंड जो होता है वो आपका बहुत ही ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसको कहते हैं नेम वन नॉन मेटल हैविंग द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, कमेंट करिए कितना होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ। आंसर इज कार्बन, कार्बन, कार्बन फाइबर्स, ऐसा भी लिखा होगा कहीं कहीं मिल जाएगा। लास्ट सेवन नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ नॉन मेटल व्हिच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसा नॉन मेटल बताना है जो कि बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इसका, इलेक्ट्रिसिटी का। जनरली जो नॉन कंडक्टर्स, नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन मेटल्स जो कि बहुत ही अच्छा कंडक्ट करता है, आपने नाम सुना होगा ग्रेफाइट, बिल्कुल सही, वही ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल के लिड में होता है, जिससे आप पेंसिल में, पेंसिल से जो लिखते हैं उसका जो काला वाला पोर्शन है, लिड जो है, दैट इज ग्रेफाइट। और बच्चों ये जो ग्रेफाइट हो रहा है ये कौन से नॉन मेटल्स का बना हुआ है, कार्बन का बना। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन, एट नंबर, you have to give the non metal having the high melting point, wo non metal ka naam bataiye jiska melting point kafi zyada hota hai, iska answer aap bolenge carbon fibers, aur carbon likho aur bagal mein likho diamond, diamond jo hota hai iska jo melting point hota hai bahut hi zyada hota hai। Name one non metal used as an antiseptic, ek aisa non metal ka naam bataiye jo antiseptic ki tarah kaam karta hai, aur ye hai aapka iodine। Very very important question, it will definitely come in your all types of exams, especially in the competitive exams। Name one non-metal used for making the gunpowder or firecrackers, पटाखों में जो use करने वाला जो होता है, उसको हम बोलते हैं sulfur, और sulfur का sign S करके हम denote करते हैं, iodine का I, carbon का C, ये सब मालूम है आप लोगों को, bromine भी है। Next one, nature of the non-metallic oxide। देखो सबसे simple सी बात, यहाँ metal oxides के nature का तो ये था basic। अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका, एसिडिक, मतलब अगर हम एसिडिक सब्सटेंस है और अगर इसमें हम ब्लू लिटमस डालेंगे तो ये कलर किसमें चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट वन, नॉन मेटल्स यूज इन मेकिंग फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बनाने के लिए जो खाद बनाया जाता है फैक्ट्रीज में, उसको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आंसर इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। सो दिस इज ऑल अबाउट द All the objectives in a glance, कि आप लोगों ने कितने सारे आंसर सही किए, और इससे आप पता कर सकते हैं कि कितने सारे आंसर्स आपको पहले से मालूम थे। जस्ट यहाँ पे क्विक रिकैप, बहुत ही शॉर्ट वीडियोस मैंने बनाया। ओके, अपना आंसर्स पहले जरूर कमेंट करिएगा जब भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आप इसको ये याद रखिए ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में आप बहुत ही अच्छा कर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटल्स, नॉन मेटल्स, एंड कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।